हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं डोंगिया नाला में पिकनिक स्पॉट पे। ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये रेणुकूट पिकनिक स्पॉट है, डोंगिया नाला के नाम से प्रसिद्ध जगह है ये। और ये जो पानी आप देख रहे हैं इसमें, ये रिहन बांध डैम से छूटा हुआ पानी है जो कट के इधर आया हुआ है। और ये है रास्ता वहाँ जाने का, देख लीजिए। हम आपको पीछे का ऐसा दिखाएंगे जो आप देख नहीं पाए। देखिए, और इसकी इस नदी का खासियत ये है ना कि आम तरह की जो गड्ढे होते हैं वो स्लोप में होते हैं, नीचे से ऊपर ऐसे जाते हुए नाव की तरह, ये इस शेप में, इस में। लेकिन इसका साला उल्टा है, ये पूरा वी है, सीधा ऐसे ऐसे वी। अगर आप इसमें गए तो फिर असंभव है आपका निकल पाना यहाँ से। और यहीं पे भैया मछली मार रहे हैं कांटा लगा के, देखिए। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कांटा द्वारा मछली पकड़ा जाना, जो दिन भर में एक मिल जाए वही बहुत है। कहो भैया, मिल जाए कुछ ही ना। परकावत हूँ, वो देखिए छोटा छोटा मछली है। कौन मछली कुछ भैया जी? सिदरी, उठिया। उठिया उठिया उठिया। चारा खिला के प्रकार है इसको ना। अच्छा, आटे फंसा के फेंके हैं कि कुछ और चीज? नहीं, आटा आटे फंसाए हैं। परकावत है ना, परकावत है ना, लालच ले के जब बड़ को खाए तो लीजिए ना। नहीं यार, समस्या वो नहीं है, छोटी मछली ही बड़ी मछली का, बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, रास्ता दिखाती है। ये भी बढ़िया से तो वही से जब शिकार यानी पे कर यहाँ सुनो तो बड़ यहाँ सुनो। कुछ मिलेगी नहीं भी आपको? एक भी नहीं, कब से मार रहे हैं? अरे यार, शिकार बड़ा रिस्की चीज है ये, मछली मिल भी नहीं करती है सब जल्दी। कब से मार रहे हैं भैया? ये हो गया 2 घंटा। लो ये तो ठीक बना था, बताइए 2 घंटा में एक भी मछली नहीं मिला? खाई संभव है, खाई से हो ये मतलब रोज मारते हैं? नहीं, कभी कभार। देख रहे ना, इतनी छोटी छोटी मछली है। कुछ है क्या वहाँ पे? नहीं, बोला वही आटा सब फेंके हैं। अच्छा, वो सब इतनी छोटी छोटी मछली है। अब देखिए, मैं रास्ते को दिखाता हूँ, मैं स्टार्टिंग रास्ता जो यहाँ पे आ रहा था, देखिए। देख रहे हैं कितना ऊंचा है, वो एकदम ऊपर उधर जाना है। और हम लोग बाइक से आए हुए हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह का ढाल है ये। और मैं जाते समय भी आपको रास्ता दिखाऊंगा एक बार। और आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा कि आप लोग को प्रत्येक दिन नए नए वीडियो डालता रहूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग से अनुरोध है कि मुझे सपोर्ट करें।
ये तीनों लोग दो लोग घेर दे रहा हूं सर बचा रहा हूं सर अभी 10 12 जल्दी से चलो सर पानी बच रहे को तो भाग मैं फंसी हूं सर। ये हमारे भाई साहब हैं लाइट दे बड़ा भाई कितना इन लोग के साथ घूमता रहता हूं आवारा गर्दी होती रहती हम लोग की कोई कोई के डाल दे ये हम लोग के कैशियर हैं और वो हैंडल करते हैं सबको ये ना रहा था टीम ही अधूरी है पूरे ना हुई अब पूरे ना हुई सुन ला और कुछ गाना लगे बा जब से देखा तुमको खोए खोए रहता बस ये कौन सा बात हुआ देखिए और मैं इस रास्ते को दिखाता हूँ देखिए देख रहे चढ़ाई ये कितना मीटर हुई हो हाँ कोमड़ी भी ये चढ़ाई कौन मीटर ले हुई 300 मीटर अरे देखिए गाड़ी स्टार्ट एक नंबर लगा लो ये तो बात है साला सीधी खड़ी है ना एकदम देख रहे हैं देख रहे हैं भाई लोग हालत पंचर हो गया इतने चढ़ने में अभी तो उसका आधे चढ़ा गया अभी पूरा आधा बचा ओ, ओ, कैसा लग रहा है आपको चढ़ के चढ़ाई रुकिए मैं आपको थोड़ा पीछे का नज़ारा दिखा दूं देखिए खाल देख रहे हैं मेरा सांस कैसे चढ़ रहा उतर रहा है चलिए चलते हैं कहीं चकवा ना उठ जाए चकवा ना उठे अब तीरा नहीं खिलाइए कभी ना खाली नहीं तो जरूरत है नहीं ना है क्या जरूरत है गिरने का देख लो भाई लोग ये रास्ते को बाबा देख लो भाई लोग गाड़ी नहीं संभल रही है ऐसा रास्ता है ये वही ना खड़ी चढ़ाई ना भैया मैं वही ना कह रहा हूँ मैं डर रहा हूँ कि खड़ी ना हो जाए खड़ी ना हो जाए आगे से गाड़ी चले नहीं है उछल तो नहीं नहीं पीछे लोड है गाड़ी पथरवा पे चढ़ के भी है ना हां उछल ना पथरवा पर ना उठ रही है ऐसे ही वीडियो के लिए भाई लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को देखिए ये हादसा देख लीजिए रास्ता ये पर तो बिछले चोट चोट गिरी है ना पत्थर ना से हमारे ड्राइवर साहब बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं भाई घाटी देखो तो भाई घाटी है ना बस भाई काट के रहता ना भाई हां जैसे से कट ले मेरा देर को उतर ले दो चढ़ जाइए मतलब उतर ले दो ज्यादा उस लेटर मत लीजिएगा बस उड़ जाएगा रहने दीजिए रहने दीजिए उड़ जाएगा सर जी सर जी बात मानिए अरे सर जी बात मानिए देख रहे भाई लोग उठ रहा था आगे से आप देख ही नहीं रहे ना गड़िया आगे से उठ रही थी ले जाइए तो अरे रिक्स लेने की क्या जरूरत है यार कमजोर हो गई रिक्स लेने की जरूरत क्या वही ना कर रहे हैं खड़ा थी ऐसा तो रहे तो कड़ी ना पाई ना
एक तो गाड़ी संभालो, एक तो पीछे का लूटो संभालो। हाँ दिक्कत होता है बनता है भैया, तभी ना मैं कह रहा हूँ। अरे सर जी पूरी ये सरकारी बिल्डिंग सर, ये शायद रेलवे का अंडर करा था। हाँ ये रेलवे की है। दिखेगा पाइप पे हाँ हम देख रहे हैं, देख रहे हैं ये रोड रास्ते में इतना चिकना पाइप बिछा गया है, देख लीजिए। इस पे गाड़ी का टायर तीन लोग के साथ, हो सामने दिख रही बिल्डिंग मायावती आवास, न घर है न दरवाजा। न घर है न दरवाजा। अगर मेरे पास समय होता तो वीडियो में दिखाता इस आवास को, इसका कंडीशन बताइए। इस पे अरबों रुपया खर्चा करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, कोई देखभाल नहीं इसकी। जेबा जेबा हाँ, हर हर महादेव। चार्ज भी बोलने पड़ गए।